नमस्कारम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद किली। तो आज मैं आपके साथ तिल पाक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है ये रेसिपी और विंटर के सीज़न में ये बहुत ही पौष्टिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, जो मुझे अच्छे से रोस्ट करने हैं, जिससे कि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि छिलका निकल रहा है। मूंगफली के सभी छिलकों को मैंने निकाल दिया है और उसे अब मैं एक ग्राइंडिंग जार में रख दूंगी, क्योंकि मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया है एक ग्राइंडिंग जार में और इसका पाउडर बना लिया है। हमें कोर्स पाउडर बनाना है, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाले तेल लिए हैं। दो टाइप के तिल आते हैं, एक तिल आते हैं नॉर्मल वाले और दूसरे आते हैं छिलके के बगैर के तिल, वो बहुत ही वाइट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ नहीं किया है और मैं यहाँ पे जो नॉर्मल तिल होते हैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं धीमी आंच पर भून लूँगी, बहुत हमें इससे भूनना नहीं है, नहीं तो ये चटकने न लगेंगे। हमें बस थोड़ा ही इसे भून लेना है, जिसके कि इसका जो ये थोड़े से फूल जाए, तो बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है। इसको भी ग्राइंडिंग जार में रखकर हम इसका पाउडर बना लेंगे, महीन पाउडर बना लेंगे। तो दोनों का हमने पाउडर बना लिया है। एक पैन में अब हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच जितना देसी घी, और घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। घी के थोड़े ही गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे मूँगफली का हमने जो पाउडर बनाया है वो, और तिल का पाउडर। दोनों को हम घी में अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स करके घी में हम इसे सेक लेंगे। घी में हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे सेक लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। वैसे तो हमने ये दोनों को रोस्टेड कर लिया है तो कच्चेपन नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से घी में हमें सेक लेना है, जिससे कि इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए उसमें। दोनों को हम इस तरह से 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर सेक लेंगे। अब हम थाली को कर लेंगे अच्छे से ग्रीस, जो हमें जब बन जाएगा तिल पाक तो उसको हम इसमें सेट कर लेंगे। तो इसको पहले से ही हम ग्रीस करके इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे एक मेजरिंग कप में मैंने ली है चीनी, तो उसको मैं डाल दूँगी। पहले तो हम चाशनी बनाएंगे, इसके लिए ही हमने चीनी ली है। तो एक कप हमने चीनी ली है, उसी कप के नाप से हम लेंगे पानी। तो एक कप चीनी और उसी कप से एक कप पानी, दोनों को हम इस तरह से मिलाकर चाशनी बनाएंगे। गैस को हम रखेंगे धीमी आंच पर, धीमी से मध्यम आंच पर रखेंगे, और हमें इसको बहुत ही चलाना नहीं है। बस जो चीनी है वो घुल जाए, उसी तरह की हमें चाशनी बनानी है। हमें बस थोड़ा सा जो चीनी और पानी है उसका चिपचिपापन आ जाए, वैसे ही हमें चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा आधा आधा जितना तार बने और थोड़ा सा चिपचिपा पानी बन जाए, उसी हिसाब से हमें चाशनी बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि एक तार की चाशनी नहीं बन रही, लेकिन आधी आधा तार बन रहा है। वो जो पानी है वो भी चिपचिपा, जो चाशनी है वो भी चिपचिपी हो चुकी है। तो अब हमने जो सेक के तैयार रखा था मूंगफली और तिल का पाउडर, उसको उसमें हम थोड़ा थोड़ा ये चाशनी का पानी डालकर चला लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही हमें पानी डालना है इसमें, तो फिर से मिक्स कर लेंगे और उसको सेकते जाएंगे। तो अब हम और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे चाशनी का, और उसे भी सेक लेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि जो ये हमारा पाक है वो तले को छोड़ ना दे। तो आप देख सकते हैं कि ये तला अब छोड़ने लगा है, फिर भी हमें इसे चेक करना है कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको ले लेंगे एक कटोरी में,
थोड़ा सा हमने पाक को ले लिया है कटोरी में, अब हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि उंगलियों में नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब है कि ये अब सेट होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम ग्रीस की हुई थाली में इसे रख देंगे और एक कटोरी की मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। कटोरी के तले में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। तो अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है इस तरह से, और हम चाकू की मदद से इसके पीस कर लेंगे। हमने इस तरह से इसके पीस बना लिए हैं। अब हम इसको एक घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट होकर निकलने लगे हैं। तो हमारा जो तिल पाक है, जो मूंगफली पाक है, वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।